हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माई एसक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल सर्वर के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर ही है। तो किसी भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर एक कीवर्ड होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, आखिरकार इनर ज्वाइन होता क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इनर ज्वाइन है, यहाँ देखिए इनर ज्वाइन लिखा हुआ है। तो इनर ज्वाइन तो एक कीवर्ड है, लिखा हुआ है द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स। तो दो टेबल्स हैं। अब आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए ये टेबल वन है और यहाँ पे ये टेबल टू है। इस टेबल को क्या नाम दिया गया है? टेबल टू। ठीक है, तो ये टेबल टू है, ये वाली जो टेबल है इसका नाम है टेबल टू। तो ये टेबल टू जो है और ये टेबल वन है, ठीक है, और दोनों के अंदर कोई मैचिंग रिकॉर्ड आपको नजर आएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाया गया। यहां पर देख लीजिए, ये प्राइमरी की है टीचर आईडी, देख सकते हैं। अब जो टीचर आईडी है, क्या इसके साथ क्या नेम एसोसिएट है? यहाँ पे नेम ऑफ टीचर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक नेम से दो या दो से अधिक टीचर भी एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या यह भी पॉसिबल है कि जो एक टीचर को आईडी मिली है, यानी जो उस टीचर की आईडी है, वो किसी दूसरे टीचर की भी हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर टीचर आईडी को क्या बनाया गया है? प्राइमरी की। और इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहां पर जो नेम ऑफ टीचर है ये क्या है? ये जो है फॉरेन की है। तो ये जो नेम ऑफ टीचर है ये है फॉरेन की। क्या है? फॉरेन की। यहाँ पे मैं लिखता हूं एफ, यानी ये फॉरेन की है। और यहाँ पे ये प्राइमरी की आपको नजर ही आ रहा होगा, ये चीज जो है ये है प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है। लेकिन जब दूसरे, इस टेबल का नाम है टेबल वन, यहाँ पे देखिए टेबल वन भी दिया गया है और इस टेबल का नाम है टेबल टू, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको मिलता है कोर्स आईडी, फिर मिलता है कोर्स नेम, और फिर मिलता है टीचर आईडी। यानी टीचर आईडी एक ऐसा यहाँ पे फील्ड है जो दोनों में कॉमन है, यानी यहां पर भी है और आपको यहां पर भी टीचर आईडी दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ही में आपको टीचर आईडी कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे समझेंगे कि इनर ज्वाइन है क्या। तो इनर ज्वाइन यानी दो टेबल्स के बीच में, आपने एक्सेस में पढ़ा होगा, एक्सेस में मैंने बताया भी है कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करी जाए, ठीक है। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर जरा ये देखिए, यहाँ पे टीचर आईडी वन है, ये टू है, ये थ्री है, यानी टीचर आईडी कहीं भी मैचिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नेम ऑफ टीचर तो मैचिंग हो सकता है, लेकिन जब दूसरे टेबल में हम आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया है कोर्स आईडी। अब कोर्स आईडी है A01, फिर A02, फिर A03 है, ठीक है ना। तो कोर्स आईडी जो है ये भी मैचिंग नहीं है, क्योंकि यहां पर कोर्स आईडी भी क्या है? ये प्राइमरी की है, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी की है कोर्स आईडी, ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स आईडी भी क्या है? प्राइमरी की है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये प्राइमरी की है, फिर यहां पर ये कोर्स नेम जो है क्या है? फॉरेन की है, ठीक है। और यहां पर देखिए टीचर आईडी भी यहां पर क्या है? फॉरेन की है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनर ज्वाइन का क्या मतलब है, क्या महत्व है, कैसे इसको हम समझे, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए इनर ज्वाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा। जब ये टीचर आईडी और ये टीचर आईडी, तो एक फील्ड तो कॉमन होना चाहिए भाई, दो टेबल्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन से, तो यहां पर एक फील्ड तो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इसमें टीचर आईडी कॉमन मिल रहा है, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर टीचर आईडी क्या है? प्राइमरी की है, लेकिन यहां पर प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए भाई, दो टेबल में प्राइमरी की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को। जैसे यहां पर टीचर आईडी प्राइमरी की बना दिया, तो यहां पर जब रिलेशनशिप क्रिएट करानी होगी तो इससे क्रिएट हो जाएगा आपका, और जब ये रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो इसी को इनर ज्वाइन बोलेंगे। दो टेबल्स में अब कंबाइन हो जाएंगी दोनों टेबल्स। तो यहां पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है इनर ज्वाइन सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, ठीक है। तो यानी दोनों टेबल में मैचिंग वैल्यू आपको देगी, वही जो है क्या है, वही जो है रिलेशनशिप उसी से क्रिएट होता है। और दूसरा इनर ज्वाइन जो है, जो इनर ज्वाइन है वो एसक्यूएल में न्यू टेबल एक तरह से बना, जैसे मान लीजिए अभी आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे टीचर आईडी है, तो एक तो फील्ड आपको टीचर आईडी मिल गया, ठीक है, कॉमन ये हो गया। फिर क्या है दूसरा? तो फिर दूसरा है नेम ऑफ टीचर, तो ये नेम ऑफ टीचर एक और फील्ड हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कोर्स आईडी इसमें मैचिंग नहीं है, तो कोर्स आईडी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो एक तो कोर्स आईडी हो जाएगा, एक नई टेबल ये फॉर्म करेगा, ठीक है, ये कोर्स आईडी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कोर्स नेम भी आ जाएगा, क्योंकि जब इनर ज्वाइन होगा तो ये सारे ही फील्ड्स इसमें आ जाएंगे। तो कोर्स नेम, कोर्स आईडी, ये सारे ही फील्ड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और चूंकि यहां पर भी दिया गया है टीचर आईडी, तो टीचर आईडी तो एक बार हो चुका है, और जो प्राइमरी की है ये उसी को उठाएगा, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं? इनर ज्वाइन बोलते हैं। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि इनर ज्वाइन क्लॉज इन एसक्यूएल माई एसक्यूएल
creates a new table by combining rows that have matching values in two or more table. ये तो दो ही table है, लेकिन दो से अधिक table की भी बात हो सकती है, ठीक है? और ये जब join होता है ना, एक logical relationship बनाता है common field के साथ. Common field, आप देखिए इसमें common field आपको नहीं मिल रहा है, देखिए ये teacher ID है और यहाँ पर भी teacher ID है, तो ये तो common field हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है? और इस तरीके से आप inner join कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्या है ना कि select जो आप command use करते हैं, तो select का तो use करना ही करना, यहाँ देख सकते हैं select command का यहाँ पे use किया है हमने, तो select अब column को select करना है, ठीक है? यहाँ देखिए select column, तो एक-एक करके columns को select करेंगे, teacher ID है, ठीक है, name of teacher है, और किस table से select करेंगे, तो table one से, तो table one यहाँ पे है हमारा, देखिए ये table one है ना, तो टेबल 1 यहां पे है, तो एक-एक को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी टीचर आईडी को भी और नेम ऑफ टीचर को, ठीक है? और फ्रॉम टेबल 1 और इनर जॉइन टेबल 2, ठीक है, इनर जॉइन टेबल 2 करेंगे और यहां पे कंडीशन देंगे, कंडीशन, और कंडीशन के हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, टेबल्स को जॉइन करेंगे, यानी इनर जॉइन करेंगे, ठीक है ना? समझ आ रही है बात?